नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितेश कटवाणी है। मैं ऑन्कोविन कैंसर सेंटर अहमदाबाद में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अर्थात कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। हर साल अक्टूबर महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है, उस ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस करने के लिए कौन सी जांचों का उपयोग होता है, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जाए या उसको शुरुआत के स्टेज में कैसे डायग्नोस किया जाए। ब्रेस्ट कैंसर भारत में और पूरे दुनिया में स्त्रियों में सबसे कॉमन पाया डायग्नोस होने वाला कैंसर है। पिछले साल भारत में स्त्रियों में 6 लाख कैंसर के केसेस पाए गए थे, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के केसेस 1.5 लाख से ऊपर थे, यानी 25% से ज़्यादा कैंसर के केसेस जो लेडीज़ में पाए जाते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स जो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल दो तरह के होते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी जो हमारे अंकुश में है, जिसमें हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी का लेट उम्र में प्लान करना, 30-35 ईयर्स की एज के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी का प्लान करना, अपने बालक को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कम समय तक करवाना या ना करवाना, मोटापा होना, एक्सरसाइज का अभाव होना, ये सब भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं। अल्कोहल और टोबैको का सेवन भी कुछ हद तक ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर का रिस्क डेफिनेटली बढ़ाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं ब्रेस्ट कैंसर के जो नॉन मॉडिफाइबल है, जो अपने अंकुश हमारे अंकुश में या कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि एडवांसिंग एज, जैसे जैसे लेडीज़ की एज बढ़ती जाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। इसके अलावा महावारी का छोटी उम्र में चालू होना, बहुत जल्दी चालू होना या काफ़ी देर तक बड़ी उम्र तक महावारी का चलना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है। 10-15% ब्रेस्ट कैंसर के केसेस फैमिलियल रहते हैं, अर्थात किसी के क्लोज फैमिली रिलेटिव में, जैसे कि मदर, सिस्टर, मासी या नानी में ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, ऐसे लेडीज़ में खुद में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम है ब्रेस्ट में गठान होना, जिसमें कोई दर्द नहीं होता। ये सबसे कॉमन मिसनूमर है या मिथ है लोगों में कि कैंसर की गठान में, ब्रेस्ट कैंसर की गठान में दर्द होता है। ज़्यादातर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर में पेनलेस लंप होता है, दर्द बिना की गठान होती है। हम काफ़ी बार ओपीडी में देखते हैं कि लेडीज़ हमारे साथ ये सिम्टम्स के साथ आती है कि सर मुझे 6 महीने से 12 महीने से स्तन में गांठ थी लेकिन पेन नहीं था, इसलिए मैं चेकअप के लिए नहीं आई। तो कोई भी तरह की गठान ब्रेस्ट में हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर रिपोर्ट करें और उनकी गाइडेंस के हिसाब से आगे चेकअप करवाएं ज़रूरत पड़ने पर। इसके अलावा दूसरे लक्षण जो ब्रेस्ट कैंसर में पाए जा सकते हैं वो है स्तन के आकार में या स्तन की चमड़ी में कुछ फेरबदल होना, निप्पल का अंदर की तरफ जाना, निप्पल में से ब्लड वाला स्त्राव या पानी का डिस्चार्ज होना, बगल में गांठ होना, इसमें से कोई भी लक्षण ब्रेस्ट कैंसर में पाए जा सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण आप में आपके रिलेटिव में पाए जाएं तो अपने डॉक्टर को अवश्य संपर्क करें और उनके गाइडेंस के हिसाब से आगे ज़रूरत पड़ने पर रिपोर्ट करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी जाँचें की जाती है? अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट ब्रेस्ट में लंप या ब्रेस्ट के सिम्टम्स के साथ आता है तो हम पेशेंट का दोनों ब्रेस्ट का और बॉडी का चेकअप करते हैं और हमें लगता है कि इसमें कैंसर होने की संभावना है तो हम सबसे पहला जो रिपोर्ट करवाते हैं वो है ब्रेस्ट मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक ब्रेस्ट का स्पेशल तरीके का एक्सरे है जिससे हमें पता चलता है कि स्तन में कोई गठान है, कितने साइज में है, कितने प्रमाण में है और वो शादी है या कैंसर वाली होने की संभावना है। अगर मेमोग्राफी में डाउट लगता है कि ये कैंसर वाली गांठ है तो फिर उसका बायोप्सी किया जाता है, जिसमें हम गांठ का छोटा सा टुकड़ा लेके लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजते हैं। अगर बायोप्सी में कैंसर कंफर्म होता है तो फिर उसके ऊपर ईआर, पीआर और हर2 करके स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं जो हमें आगे के ट्रीटमेंट के लिए भी गाइड करते हैं। कुछ केसेस में जहां हमें लगता है कि कैंसर एडवांस स्टेज में हो वहां हम सिटी स्कैन, बोन स्कैन या पेट स्कैन की भी एडवाइस करते हैं। सब जाँचें हो जाने पर ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस निदान कंफर्म हो जाता है और स्टेजिंग भी पता चल जाता है। एक बार ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस और स्टेज कंफर्म हो जाने पर उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट प्लान में मेनली 3 तरह की थेरेपी रहती है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी।
ज़रूरी नहीं है कि हर एक मरीज को तीनों तरह की थेरेपी दी जाए। कौन से पेशेंट को कौन सी थेरेपी देनी, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की फिटनेस कैसी है, पेशेंट को और कौन से रोग हैं, पेशेंट के ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज क्या है, पेशेंट के ER, PR, HER2 और ज़रूरत पड़ने पर PD-L1 के रिपोर्ट्स क्या हैं। ये सब फैक्टर्स को देख के पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैंसर स्पेशलिस्ट की टीम यानी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर सर्जन होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कीमोथेरेपी विशेषज्ञ और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि शेक विशेषज्ञ, ये डॉक्टर्स की टीम मिलके हर एक पेशेंट का कैंसर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। पिछले 1 से 2 दशक में ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट की पद्धतियों में, चाहे वो सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन हो, बहुत बदलाव हुए हैं, काफ़ी नई पद्धतियों का विकास हुआ है और साथ साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिसकी वजह से साइड इफेक्ट कम हो पाए, वैसी काफ़ी दवाइयाँ आ गई है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट काफ़ी स्मूथ रहता है और साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स को काफ़ी कम होती है। अगर कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपी के इंजेक्शन आते हैं, हार्मोनल थेरेपी की टैबलेट्स आती है, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन का भी समावेश होता है। कौन सी थेरेपी देना, कितने ड्यूरेशन तक देना और कितने इंटरवल पे देना, ये सब पेशेंट के ट्रीटिंग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। पिछले 1 से 2 दशक में डेफिनेटली कीमोथेरेपी पहले से काफ़ी बेटर हुआ है, कीमोथेरेपी की दवाएं काफ़ी नई आई है, टारगेट थेरेपी की दवाएं काफ़ी नई आई है, साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट काफ़ी बेटर हुई है जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स कीमोथेरेपी डे केयर में लेके जाते हैं यानी कुछ ही घंटे में थेरेपी लेके सुबह से दोपहर तक या शाम तक डिस्चार्ज हो जाते हैं। इवन काफ़ी वर्किंग वूमेन जो आती है वो अपना वर्क कंटिन्यू करती है कीमोथेरेपी के दौरान, और इवन कुछ वुमेन हाफ डे की लीव लेके कीमोथेरेपी लेके वापस अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेते हैं, स्पेशली जब उनका टारगेट थेरेपी चलता है। तो इससे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का थेरेपी पहले से काफ़ी कंफर्टेबल और स्मूथ हुआ है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के क्योर रेट की बात करें तो वो डिपेंड करता है अब ब्रेस्ट कैंसर का कौन सा स्टेज है, कौन से स्टेज में हम उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके मिटने की यानी क्योर रेट की संभावना 95 से 98% तक होती है। स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर में क्योर रेट 85 से 90% तक पाया गया है। स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर में क्योर रेट 70 से 80% तक रहता है। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में मिटने की संभावना अर्थात क्योर की संभावना कम रहती है क्योंकि स्टेज 4 में कैंसर दूसरे अंगों में फैल जाता है। स्टेज 4 में केवल 10 से 15% मरीज ही लंबा आयुष्य जी सकते हैं। तो इससे हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर का जितने शुरुआत के स्टेज में डायग्नोसिस हो, जितने जल्दी निदान हो, उतना ही उसको क्योर करने की और मिटाने की संभावना बढ़ जाती है और साथ ही में ऐसे मरीजों में थेरेपी का ड्यूरेशन भी कम रहता है। ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआत के जल्दी स्टेज में डायग्नोस करने के लिए मेन 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और दूसरा है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी कि स्तन स्वयं जाँच, वो एक ऐसा तरीका है जो लेडीज़ 20 साल से ऊपर की हो उन्हें खुद अपने घर पर ही स्तन का चेकअप करना चाहिए। हर महीने अपने हेल्थ के लिए आपको 5 से 10 मिनट का समय निकालना है जिसमें नॉर्मली महावारी के बाद 7 दिन के आसपास आपको अपने स्तन की जांच करनी होती है, जिसमें आपको अपने स्तन के आकार में कुछ फेरबदल मिले, निप्पल में कुछ फेरबदल मिले या बगल में कुछ गांठ या लंप मिले या स्तन में कुछ गांठ मिले तो आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना होता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से काफ़ी सारे ब्रेस्ट कैंसर शुरुआत के स्टेज में पाए जा सकते हैं। ये एकदम सिंपल और घरेलू उपाय है जिससे अपने लेडीज़ को अपने ब्रेस्ट के फील और कंटूर के बारे में भी जानकारी रहती है। इसके अलावा ज़्यादातर गाइडलाइंस के द्वारा रिकमेंडेड है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी जो 40 बरस से ऊपर की महिलाओं में साल में 1 बार दोनों स्तन की स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करनी चाहिए यानी स्तन का एक्सरे करवाना चाहिए, चाहे लेडीज़ को कोई लक्षण ना हो तो भी उन्हें यह करवाना चाहिए जिससे ब्रेस्ट कैंसर को एकदम शुरुआत के स्टेज में छोटी से छोटी गांठ हो 0.5 सेंटीमीटर की तो भी उसको मेमोग्राफी से पकड़ा जा सकता है और उसको जल्दी पकड़ के क्योर किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए जैसे हमने डिस्कस किया पहले कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर हेल्दी डाइट को कंज्यूम करना, वेट को कंट्रोल में रखना और टाइम से फैमिली प्लानिंग करना और अपने बच्चों को एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग देना। इसके अलावा जिन मरीजों में फैमिली हिस्ट्री हो ब्रेस्ट कैंसर की या ओवेरियन कैंसर की क्लोज रिलेटिव में
उनको अपने डॉक्टर के संपर्क में रह के रेगुलर स्क्रीनिंग यानी कि जांच करवानी चाहिए, जिससे उनका ब्रेस्ट कैंसर शुरुआत के स्टेज में पकड़ा जा सके और केयर हो सके। थैंक यू।